चलाएगा कौन इसको? सबसे पहले तो ये ऊपर भी तेल है, इधर भी तेल है और तीसरी साइड भी तेल है, इन तीनों के ये इसमें गेज लगी है। इसने गेज चेक कराई लड़के ने भी, आपको तेल चेक कराया, वो तेल उतना होना चाहिए जो खुरदरे पार्ट है और वहाँ तक हो जरूर आए। ऐसे ही इधर है, इधर ये नट लगा हुआ है, इधर नट, इधर और दिखाओ नट। ये सबसे नीचे वाला नट है तेल निकालने के लिए, ये वाला है ऑयल लेवल चेक करने के लिए। जब इसको हम खोलेंगे तो यहाँ तक तेल होना चाहिए, यहाँ तक तेल होगा मतलब ये बिल्कुल तेल इसमें जितना होना चाहिए उतना पूरा है। ऐसे ही तीसरी साइड आ दो, तीसरी साइड ये यहाँ पे तेल डालने का है, ये इसका ऑयल लेवल नट है, ये लेवल चेक होता है यहाँ तक। इसको जब खोलो अगर तेल निकल रहा है मतलब तेल इसमें पर्याप्त है पूरा। सबसे जरूरी इसको उठाना हल्का सा, रखा हुआ है नहीं, रखा हुआ है ना नीचे, हल्का सा उठाओ, लिफ्ट, हल्का सा लिफ्ट करो, हल्का सा उठाओ और उठाओ, मैं यहीं रहूँ। ये चाल जो है अभी हमने काफ़ी हद तक इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देना है, ये चाल नहीं होना चाहिए। जब इसको रखो तो ये बराबरी से नीचे रखा जाना चाहिए, ऐसा ना हो इधर से एक तरफ से ऊंचा हो एक तरफ से नीचा हो, जैसे अभी था थोड़ी देर पहले, तो वहाँ से लिंक से उसने सेटिंग कर दी। तो दोनों अब ये नीचे रखो इसको, हल्के हल्के नीचे रखो। अब जब इसको नीचे रख लो, रंग कोई, अब जब ये नीचे रखा जा रहा है तो दोनों पार्ट एक साथ रखे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक नीचे ऊपर, अगर वो है तो वहाँ से सेटिंग कर। फिर इसकी रोटावेटर जब हमने इस्तेमाल करना है तो ये बिल्कुल सिदाई में होना चाहिए आदमी, ये ना टोपलिंग ज़्यादा छोटी हो ना ज़्यादा लंबी हो, छोटी होगी तब भी झटके मारेगा, लंबी होगी तब भी झटके मारेगा। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रोटावेटर का ब्लेड जो है बिल्कुल सिदाई में लगे, कभी भी इसके चक्कर हवा में नहीं बनाने। जैसे कई लोग क्या करते हैं 1800 की रेस दी और नीचे फेंक दिया, ऐसा नहीं करना, स्लो रेस में नीचे रखो, हल्के हल्के चक्कर बढ़ाए जाओ और चलाए जाओ। और अगर सिंगल क्लच भी ट्रैक्टर है तो स्लो पे बिल्कुल ऐसी शांत रख दो नीचे, जैसी जैसी रेस बढ़ती जाएगी चलते जाएगा। अगर आप पूरे चक्कर बना के नीचे फेंकोगे तो वो एकदम रोक आ जाएगी, इसमें कोई ना कोई इधर नुकसान करेगा या उधर नुकसान करेगा, ठीक है जी। फिर इसमें आपकी शावट में एक ग्रीस पॉइंट ये है, एक अंदर क्रॉस में है, एक ये बाहर की गोलियों में है क्रॉस में, ये दोनों में ग्रीस होनी है। जब गीले में चल रहा है तो हर चौथे घंटे में दो पंप ग्रीस के लगने हैं, गीले में, गीले में। सूखे में है तो वही चार घंटे की जगह छः घंटे पे आ जाओ, मगर हर छवें घंटे में ये ज़रूरी है कि ग्रीस हो, ग्रीस में करनी है, गन्ना अलग से ट्रैक्टरों के साथ आती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा ये जो एक ब्रीदर ये है और एक ब्रीदर इधर लगा हुआ है, इधर भी गियर बॉक्स में ब्रीदर दिखाओ। ये जो ब्रीदर है इसका काम है हवा जितनी गर्मी अंदर पैदा हो रही है, जितनी गैस पैदा हो रही है उसको निकालते रहना। अगर इसमें मिट्टी फंस जाती है, ये चोक हो जाता है, तो सबसे बढ़िया इसका तरीका ये है कि इसको खोलकर रात भर पेट्रोल या डीजल में भिगो के रख दो उसको, सुबह एयर मारो। कितने टाइम में खोलना है? ऐसा है जब आपको लगे इसमें मिट्टी चोक हो रही है, इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है जब ये चोक हो जाएगा तो इधर से तेल फेंकना शुरू कर देगा। अच्छा, यहाँ से, यहाँ से जब आपको भाई उस नौबत तक ना जाओ, उससे पहले ही आपको लगता है मिट्टी फंस गई चोक हो गया, इसको उतारा रात भर के लिए डीजल में रख दिया, पेट्रोल में डाल के रख दिया और इसमें इसको कपड़े से कवर कर दिया, सुबह उसमें एयर मारो, एयर मार के फिर से कामयाब हो जाता है, ठीक है जी। अभी जैसे आपने इसको सूखे में जब चलाना है तो इस वाले निशान पर रखोगे इसको, नीचे वाले में। अभी जैसे गीले पर चलाना है तो इसको सेंटर में करते हैं, जितने भी हो जा रहे हैं सेंटर चुके जिन्हें भी कादल से जा रहे हैं ना, जितनी जल्दी मिट्टी छोड़ेगा रोटावेटर उतना बढ़िया चलेगा, उतनी कम ब्लेडों की घिसाई होगी। इसमें कदहड़ में चलेगा, कदहड़ में चलेगा, इसको भी करा देते हैं सेंटर में करा देते हैं, ठीक है जी। 400 रुपये। इसके अलावा जब शाफ्ट फिट करनी है तो दोनों तरफ से फिट करनी है, इधर की भी और उधर की भी, और जब उतार के रखनी है तब भी दोनों तरफ से उतारनी है, ऐसा ना हो इधर की
लटकती छोड़ दी। आगे सील होती है बहुत छोटी, वो सील पे जोर आता है उसकी वजह से लीकेज आने की शिकायत रहती है बाद में। जब उतारनी है तो दोनों तरफ से उतार, और जब ग्रीस करनी है तो क्रॉस के चार हिस्से हैं, चारों तरफ से बराबरी ग्रीस निकल जाए, ठीक है जी। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये जैसे अब ये इसमें ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है, इसमें एक पोजीशन का लीवर है, एक ड्राफ्ट का लीवर है। एक होता है जिससे ऊपर नीचे उठता है, और एक होता है जिससे कल्टीवेटर की सेटिंग होती है। वो जिससे कल्टीवेटर की सेटिंग होती है वो लीवर हमेशा नीचे रहना चाहिए। और इसमें तो जैसे सिंगल या तीन है ना, इसमें इसमें स्प्रिंग है जैसे सेंसिंग ऊपर है ना, तो ये ऊपर ना डल के इसको बीच नीचे चलना चाहिए, सेंटर में या सबसे नीचे वाले उसमें होल में भी डलना है इसको, ऊपर नहीं चलना चाहिए इसको, ठीक है। हमने इसको सेंसिंग नहीं देनी। जब एक बार अभी 10-5 घंटे जब इसको चला लोगे, नट बोल्ट और चाबी पाने सारे आपको दिए हुए हैं, एक बार बढ़िया करके सारी चीज़ें टाइट कर लेना, सारे नट बोल्ट, फिर वो ढीले नहीं होंगे। एक बार जितने होने उसको टाइट कर लोगे तो फिर ढीले नहीं होते, ठीक है जी। शाफ्ट में एक तरीके का फ्यूज नट पड़ा हुआ है, उसको हम लॉक नट बोलते हैं। वो नट है यहाँ पे देखो, ये इधर की तरफ, ये नीचे की तरफ एक नट है। ये नट का काम है एक फ्यूज की तरह, अगर कभी पत्थर आता है, जड़ आती है, या आपके चलाने का तरीका गलत हो, तो ना तो ट्रैक्टर में नुकसान होगा ना रोटावेटर में नुकसान होगा, सिर्फ एक नट जो है वो टूट जाएगा। वो नट टूटने से आपके रोटावेटर भी सुरक्षित रहेगा, ट्रैक्टर भी सुरक्षित रहेगा। सबसे ज़रूरी काम पहली सर्विस 50 घंटे में, या 20-50 एकड़ जैसे ही आप जुताई कर लो, पहली सर्विस समय पे होनी बहुत ज़रूरी है। उसके पीछे कारण ये है, जितना भी लोहे की घिसाई होती है बहुत बारीक कचरा होता है, आपकी मेरी आँख देख भी नहीं पाती, मगर वो तेल में महसूस होता है कचरा। वो तेल अगर इसमें रह गया, बेरिंगों के अंदर रह गया, तो उसने बेरिंगों में चिक पैदा कर देंगे। जो इस रोटावेटर की 10-12 साल 20 साल जिंदगी है, अगर पहली सर्विस कराओगे तो वही 2-4 साल ज़िंदगी बढ़ जाएगी, और छोड़ दोगे तो वही ज़िंदगी 2-3 साल घट जाएगी। वो चार फ्यूज उसमें है, उठाओ जरा स्पेस वाला डब्बा, इसको लॉक नट बोलते हैं या फ्यूज नट बोलते हैं। ये थैली जो है इसमें 5 है। इससे फ़ायदा ये है कि कभी भी देसी मत डालना इसको, यहाँ पे कीमत होती है इनकी क्योंकि इनका काम है। देसी तो 2-2 रुपये के 5-5 रुपये के बाज़ार में मिल जाते हैं, मगर वो अपना काम पूरा नहीं करेंगे। वो नहीं टूटेगा तो या तो गियर बक्से का कुछ ना कुछ नुकसान करेगा, या ट्रैक्टर के गियर बक्से का नुकसान करेगा। इसको जब हमने चलाना है तो रेटेड RPM पे चलाना है। रेटेड RPM क्या होते हैं, जैसे अभी स्वराज है, इसके 540 चक्कर 1800 की रेस पे बनते हैं, तो इसकी जब रेस देनी है, इसकी 1800 की रेस देनी है, और हमेशा हाथ की रेस से चलना है। पैर की रेस से क्या होगा, रेस कभी दोगे कभी छूट जाएगी, तो वैसे इसके राउंड घटते कमते बढ़ते रहेंगे। हाथ की रेस से इसको चलाना, जब भी चलाना, ठीक है जी। और जब इसको रखना है अपनी जगह पे, तो साफ सुथरी जगह पे रखो। हल्का अगर कहीं तेल का खुदा ना खास्ता कभी तेल का अगर तिनका भी गिरता है, तो आपकी नज़र में फट आ जाना चाहिए, हाँ भैया तेल का तिनका गिर गया, तुरंत उसकी आके चेकिंग कराओ, ठीक है जी। और कोई सवाल जवाब हो तो आप मुझे पूछो। जब कभी इसको लेके आना है तो हमेशा इसको वाश करके धो के फिर रखो। कभी इसको सीजन के बाद अगर खड़ा करना है तो हल्का हल्का डीजल लेके, हल्का मोबिल लेके मिक्स करके पूरे पे लगा दोगे तो रंग यूं ही रहेगा इसका सदा ही, जंग जुंग की भी शिकायत नहीं आएगी। बाकी यहाँ से जा रहा है, चीज़ आपके घर पे है, जितनी संभाल कर लो उतना कम। जितनी बातें आज आपको बताई हैं, इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो कई कई साल ख़राब नहीं होगा। ये फ्रंट में लिंकों की सेटिंग मत चेंज करना है, हमने फिक्स कर दी है, इसको ऐसे ही रहना, ठीक है। और कभी भी इसको अगर उठाना है, अभी जितना उठाया था हमने, जैसे एक मिलांग कहते हो उसको, क्या बोलते हो, इससे ज़्यादा नहीं उठाना। अगर इससे ज़्यादा आप उठाना चाहो तो उसका अपना गेयर निकाल दो, गेयर निकल जाएगा, शाफ्ट बोलने लगती है, शाफ्ट बोलेगी तो क्रॉस की वारंटी नहीं है। 1100-1200 रुपये का क्रॉस है, किसी को वैसे ही समझ में आता है, किसी को 1200 रुपये खर्च के समझ में आता है, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान, और कोई ठीक है गुरुजी, ठीक है सर। हमेशा हाथ की रेस,
और इसके 540 राउंड पे चलना है, कभी गियरों के हिसाब से नहीं चलना, ठीक है जी? ओके।